नमस्कार, एबीपी न्यूज के योग सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। इस योग सम्मेलन में दुनिया भर से योग से जुड़े खास मेहमान हमारे साथ होंगे। बुंदेलखंड से ताल्लुक रखने वाले योग गुरु सोहन सिंह आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। खास तौर पर चीन में उन्होंने धूम मचा रखी है। चीन में सोहन योगा नाम से एक संस्थान शुरू करने वाले सोहन सिंह ने शुरुआत एक कंप्यूटर पेशेवर के तौर पर की थी। इस वक्त वो खुद हमारे साथ मौजूद है। सोहन सिंह जी, योग सम्मेलन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमें सोहन सिंह जी ये बताइए कि सोहन योग क्या है? योग ही है, बस नाम सोहन है, क्योंकि इस योग की जो ध्वज पताका है वो मेरे हाथ में है। तो ध्वज तो योग का है, लेकिन जो हाथ थामे हुए हैं वो सोहन के हैं, तो सोहन योगा उसको हम कहते हैं। बुंदेलखंड से आप चीन कैसे पहुंच गए, इस पूरी यात्रा के बारे में बताइए। मैं बुंदेलखंड के बहुत एक छोटा सा जिला है ललितपुर, उसका एक गांव है बरखेरा, वहां से हूँ। और अध्ययन अध्यापन करने के बाद मैंने देवी हल्ला विश्वविद्यालय इंदौर से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री की। उसके बाद मैं विदेश गया काम के लिए, लेकिन हमेशा योग जीवन का हिस्सा रहा, क्योंकि बचपन से माँ को योग करते हुए देखा तो वो एक ऊर्जा का संचारण रहा मेरे अंदर और मेरी माँ से मैं दीक्षित हुआ योग में। सोहन योग की अगर खास बात की जाए तो उसमें कोई ऐसी क्रियाएं, कोई ऐसे आसन पोस्चर्स जो आप हमारे साथ अभी साझा कर सके? तो पहले तो सभी से मैं एबीपी न्यूज के सारे दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय योग पूर्णतया वैज्ञानिक है, ये कोई कहानी नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों से मिली हुई वो वैज्ञानिक संपदा है जिसका हमें उपयोग करना शुरू करना है। अभी हमने ठीक से इसको पूरा उपयोग नहीं किया है, तो कपालभाति देखें कि क्या करना है, और ये भी आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना है, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या नहीं करना है। सीधे बैठ जाना है ऐसे, यदि पद्मासन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन शरीर को सुगम रखना है, स्थिर सुखम आसन वाली अवस्था आपको रखनी होगी। आप ऐसे बैठते हैं, कोशिश करें कि जो लोअर बैक है उसको थोड़ा उठा लें, नीचे वाली जो अपनी बैक है यदि नहीं उठती है परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दीवार से टिक्के तकिया लगा के बैठे, लेकिन थोड़ा सीधे हो जाए। चलिए अब यहाँ से क्या करना है कि जो आराम से सांस आता है आने दें, और आपको जो बाहर सांस करनी है उसमें थोड़ी सी शक्ति देनी है। कैसे करना है देख लीजिए, ये क्या नहीं करना है। हमें जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, जो मांसपेशी तंत्र है हमारा, उसको इंगेज नहीं करना है, ये नहीं करना है। कंधे नहीं उचकाने हैं, शरीर का जो मांसपेशियां है उन्हें इंगेज नहीं करनी है, हमें सिंपली सांस से प्रयोग करना है। तो ये ऐसे बैठ जाना है, और अब एक बार और आप देख लें यहाँ पे, ये प्रयोग आप कर लें। सभी से कहना चाहूंगा, जितनी भी माताएं बहनें देख रही हैं, कि रजोधर्म में इस प्राणायाम को नहीं करते हैं। गर्भवती महिलाएं, जो भी जिन्हें पता चल गया है कि वो गर्भ से हैं, इस प्राणायाम को ना करें। जो और दूसरे भाई बहन हैं जिनको अपने श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई भी छोटी मोटी बीमारी है, डॉक्टर से पहले उसको ठीक से जांच परख लें, उसके बाद इस क्रिया को आप कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं एक और मानसिक शांति के लिए एक अद्भुत प्राणायाम हमारे योग गुरुओं ने हमें दिया है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में करना क्या होता है कि आप सांस आराम से लेते हैं और छोड़ते वक्त मधुमक्खी की आवाज आपको निकालनी होती है। ध्यान रखिए, मधुमक्खी की आवाज, जो माँ है वो ओम का आखिरी वाला माँ है, ओम में तीन साउंड होते हैं आ ऊ माँ, तो जो आखिरी वाला साउंड है उससे हमारा छठवां और सातवां चक्र उस साउंड से एकदम शांत होता है, और हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, जो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, वो शांत होती हैं। कैसे करना है देख लीजिए, उंगलियों से दोनों कानों को बंद कर लें, और फिर क्या करना है, आंखें बंद करके ध्यान रखना है मस्कुलर सिस्टम को इंगेज नहीं करना है। ऐसे करके आराम से इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, और एक्सहेल से ये
अब प्रश्न होता है कि कितनी देर करें। सभी का शरीर, सभी के शरीर की संरचना अलग अलग होती है, आपको अपने शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से निश्चित करना होगा कि आप 2 मिनट करेंगे, 1 मिनट करेंगे या 5 मिनट करेंगे। जितना भी करें ध्यान रखें शरीर से मैत्री बिठानी है, शरीर से लड़ना नहीं है। भोजन करने के तुरंत बाद ना करें। सबसे अच्छा समय सुबह उठ के नित्य क्रिया के बाद यदि आप करें तो आपको अद्भुत अनुभव होगा। अब कुछ आसन देख लीजिए। पहला आसन बहुत प्यारा, दोनों पंजों को जोड़ लें, ये हिंदी में कहते हैं तितली आसन, ये। अब देखिए बहुत सारे लोग गलत करते हैं, तो क्या नहीं करना है वो आप देख लें। तितली आसन करते वक्त हमें लोअर बैक को ऐसे उठाना होता है, रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले जो हमारा भाग है उसको ऐसे उठाना है। पेट में हवा नहीं भरनी है, सांस फेफड़ों से लेना है और खुश रह के करना है, दुखी नहीं होना है, है ना। हाथों में पावर लाइए और ऐसे, ये इससे क्या हो, ये वाले ज्वाइंट खुलेंगे, हिप मसल्स खुलते हैं और पेट की चर्बी उस पर थोड़ा भी थोड़ा असर आता है, ये वाला। अब इसी में हम जोड़ देते हैं, यहां से इनहेल ऊपर जाइए सांस लेते हुए और ऐसे नीचे आ जाइए, ऐसे। आपके हाथों को नीचे टच करें यदि कर सकते हैं, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। और फिर एक सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, ये जिसे कहते हैं बंद कोण आसन, ये वाला अद्भुत आसन है। दूसरा आसन अधोमुख स्वानासन, जो अंग्रेजी के रूप समझते हैं उसे कहते हैं डाउनवर्ड डॉग, यहां से ये वज्रासन में ऐसे बैठते हैं और यहां से ऐसे, ये ध्यान रखें। यदि पैर सीधे नहीं होते तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। पंजों को उठा लें, घुटनों को थोड़ा मोड़ लीजिए और ऊपर से ऐसे बैक बोन को सीधा करते हुए थोड़ा दबाव डालना है। ध्यान रखना है सांस नहीं रोकना है, क्या नहीं करना है, सांस नहीं रोकना है। धीरे धीरे पैरों को सीधे कर दीजिए, अद्भुत आसन है। शरीर के बहुत सारे तंत्र अनूठे हो जाएंगे, लेकिन एक बार करने से कुछ नहीं होना है, आप ध्यान रखें। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं एक आसन बता दो पेट ठीक हो जाए, एक आसन से कुछ नहीं होगा, अभ्यास निरंतर करना होगा आपको। दूसरा आसन आप देखिए जानू शीर्षासन, अद्भुत आसन है ये। जानू घुटने को कहते हैं संस्कृत में, शीर्ष सर को कहते हैं, तो सर को घुटने से लगाना है, बड़ा प्यारा आसन। तो पहले थोड़ा सा एक वेरिएशन है जो डिजाइन किया हुआ है उसे आप कर सकते हैं, अंगूठा पकड़ लें, आप नहीं पकड़ पाते तो यहां पकड़ लें और जो पीछे वाली बैक है उसको उठाइए ऐसे और हाथ को सीधा खोल दीजिए। ध्यान रखना है सांस रहना है, क्या नहीं करना है, सांस नहीं रोकना है, ये एक्सेल कैसे आ जाए सांस छोड़ते हुए बिल्कुल आराम से। योग जीवन को जीने की संपदा है, जीने की महत्ता सिखाता है, शरीर से लड़ना नहीं सिखाता है। और एक्सेल कैसे नीचे आ जाए ये और वापस आ जाए। ध्यान रखिए सारे आसन को बाएं और दाएं दोनों तरफ करना है, इस साइड देख लीजिए, जल्दी से आपको बता देता हूं। ये इनहेल सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पंजे को पकड़ लेंगे, फिर सामने देखना है इनहेल तक सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। ये अपने 3 आसन है। एक और बड़ा प्यारा आसन है जो खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। योग विद्या में केवल एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद हम करते हैं, उसे कहते हैं वज्रासन। ऐसे बैठ जाना ये। अब गौर से मेरे देखे पीठ को देखें, सीधी होनी चाहिए पीठ, ये नहीं करना है, ध्यान से देखे सभी, ये नहीं करना है। ऐसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होना है, योग वैज्ञानिक है, उसकी वैज्ञानिकता को समझना होगा। कैसे सीधे बैठना है, चेस्ट को खोलना है, सांस लेनी है बिल्कुल आराम से, जल्दी नहीं करना है। यदि आपको फोन यूज करना है वज्रासन के टाइम पर तो फोन की आपकी पोजीशन ये होगी, ध्यान रखना है, मैं फोन लेके आपको दिखा देता हूं। आपके फोन की जो पोजीशनिंग है वो ये होनी चाहिए,
ये नहीं होनी चाहिए। ये चलिए अगला आसन, ये ट्विस्टिंग वाला आसन है जो सभी को करना चाहिए। ये यहां से इनहेल पर हाथ ऊपर जाएगा, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आप साइड में आ जाएंगे। ऐसे दोनों हाथों को पकड़िए, हाथों को जोड़ लीजिए और चेस्ट को खोलना है और पीछे देखते रहिए। ध्यान रखिए सांस नहीं रोकना है, दोनों तरफ करना है। यहां से ये जो लंबर वाला एरिया है, खासतौर से जो बोन नंबर L1 to L5 है, वहां पे काफी रिलैक्स आपको होगा। जो भी भाई बहन बुजुर्ग बैक पेन से थोड़ा परेशान है तो उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा। और एक आखिरी आसन, जब आप इस सारा कुछ कर लें तो शवासन में लेट जाना है। ऐसे ये ऐसे लेटना है आपको, ध्यान रखना है ये। अब शवासन की जो वैज्ञानिकता है वो बड़ी अद्भुत है। शरीर को ऐसे छोड़ना है कि शरीर का है ही नहीं, और शरीर के साथ मन को भी छोड़ देना है। जी, आपने बहुत आसान और बहुत लाभदायक क्रियाएं बताई। एक कोरोना से जुड़ा एक और मेरा आपसे सवाल ये है कि जो लोग संक्रमित हुए, देखा गया कि लोगों में ऑक्सीजन की मात्रा कम अचानक होने लगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर में बढ़ाने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए कोई आसान सी क्रियाएं बताएं। एक जो प्राणायाम है, अक्सर मैं उन लोगों को बताता हूँ जो रिकवरी कर रहे हैं कोविड से। तीन भागों में पूरी चीज को बांट रखा है हम लोगों ने इस महामारी के दौर में लोगों की सहायता करने के लिए। पहला कि प्री कोविड, जिन्हें अभी कोई कोविड का इन्फेक्शन नहीं है लेकिन स्ट्रेस है, एंजाइटी है कि पता नहीं क्या होगा, मुझे ना हो जाए, लोगों को हो गया है। फिर दूसरा है कि ड्यूरिंग कोविड, अब कोविड हो गया है उनको तो क्या कर सकते हैं। फिर यह है कि पोस्ट कोविड। तो जो एक बात सामने आ रही है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है लाखों लोगों के साथ, कि जो पोस्ट कोविड की सिचुएशन है वो एंजाइटी से रिलेटेड ज्यादा है। तो लोगों को ये लगता है कि अब इन्फेक्शन तो नहीं है एज सच, लेकिन अभी भी सांस ठीक से नहीं जा रहा है, या फिर उन्हें ये लगता है कि हृदय गति बढ़ गई है, या ये लगता है कि सर दर्द हो रहा है। बेसिकली ये सारी जो चीजें हो सकती हैं उसका एक कारण एंजाइटी बहुत बड़ा कारण है। ध्यान रखना है कि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो पूरी जो हवा है उसको फेफड़ों में ले जाना है। मैं फिर से एक बार सभी से निवेदन कर दूं, योग वैज्ञानिक है और इसकी वैज्ञानिकता को हमें बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा। डीप ब्रीदिंग हम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, गहरी सांस, उसका मतलब ये नहीं है कि सांस को पेट में भर लेना है, सांस को फेफड़ों में ले जाना कि फेफड़े खुल सके। तो दो चीजें आपको समझना होगी पोस्चर के हिसाब से, आसन के हिसाब से, कि बैठते वक्त कंधों को लॉक नहीं करना है, ये नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो डायफ्रेम लॉक हो जाएगा, लंग्स खुलेंगे, मेरी रिब केज क्लोज हो जाएगा। तो शोल्डर को रोल बैक कीजिए और एकदम आनंद में रहिए। चलिए आपने कंधों को पीछे कर लिया, चेस्ट आपका खुल गया है, अब क्या करना है, नाक के माध्यम से ऑक्सीजन को फेफड़ों में ले जाना है। तो आप मुझे देख लीजिए, चलिए आंख बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, कोई ऐसा नियम नहीं है। अब मैं इनहेल करता हूं यहां से, ये मैं इनहेल कर रहा हूं, ये पूरा इनहेल हो गया है। अब मैं यहां से एक्सहेल करता हूं, सांस को बाहर छोड़ता हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ये सांस गई बाहर। ज्यादातर जो लोग प्राणायाम करते हैं वो क्या गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। सांस तो गहरी लेंगे लेकिन छोड़ते बहुत छोटी है। वैज्ञानिकता जो हमारा प्राणायाम है उसकी सामने नहीं आई है। कैसे करते हैं देख लीजिए, ये इनहेल किया, ये तो आपने सांस तो गहरी ली लेकिन छोड़ी बहुत कम है, तो जो अगला सांस अंदर आएगा वो बहुत छोटा आएगा। तो आप जितनी सांस लें उतनी भी छोड़ें, कोशिश करें कि
कि आपकी जो छोड़ी हुई सांस है वो लेने वाली से ज्यादा हो, एक्सेल जितना लंबा होगा नई सांस उतनी गहरी आएगी। शरीर का संविधान ऐसा है, शरीर का विधान ऐसा है कि सांस छोड़ दीजिए, शरीर खुद सांस ले लेगा। मैं हमेशा पर्यावरण प्रेमियों से कहता हूँ कि पेड़ काटना बंद कर दीजिए, प्रकृति खुद पेड़ उगा लेगी, लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काटना बंद करना है। तो शरीर में यदि आप सांस छोड़ देंगे ठीक से तो शरीर खुद ले लेगा। तो इसका प्रयोग करने से दो चीजें आपके सामने आएंगी कि 21 दिन के अंदर आपके जो फेफड़े हैं वो ठीक से खुल सकेंगे और आपकी जो सांस है वो एकदम सामान्यता की ओर चली जाएगी। तो इस प्राणायाम को आप कीजिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आसन मैंने आपको अभी दिखाए रोज निरंतर आप उन्हें कीजिए, लगभग 2-3 हफ्ते में आपके शरीर में अंतर समझ में आ जाएगा। लेकिन निवेदन कर दूं आपसे, एक बार करने से कुछ नहीं होना है, कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 4 बार आप कम से कम आसनों को करें। बहुत बहुत शुक्रिया सोहन सिंह जी आपका, आपने वक्त निकाला, योग सम्मेलन का आप हिस्सा बने और मुझे यकीन है कि आपकी बातों को सुनकर लोगों को यकीनन प्रेरणा मिली होगी और वो योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोहन जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ABP News, आपको रखे आगे।